नमस्कार दर्शकों, मैं ऋतु तोमर बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आय नवरात्रि माता के में। और आप जानते हैं कि हम लगातार नवरात्रि को लेकर खास विशेष ये कार्यक्रम लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जिसमें हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से कौन से उपाय करके आप इन नवरात्रों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज बात करते हैं चौथे दिन की, यानी कि कुष्मांडा देवी की। आज का जो चौथा नवरात्र है वो कुष्मांडा देवी को समर्पित है। तो किस तरीके से उनकी पूजा पाठ करनी है, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दर्शकों, माँ कुष्मांडा को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो खास उपाय है जिसे करके आप अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिएगा आज का ये कार्यक्रम बेहद ध्यान से। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा अर्चना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ की जा रही है। हर तरफ माँ की जय जयकार है। नवरात्र के चौथे दिन होती है माँ कुष्मांडा की पूजा। कुष्मांडा देवी अपने अंदर पिंड और ब्रह्मांड के समस्त जठर और अग्नि समाये हुए हैं। कुष्मांडा देवी ही ब्रह्मांड से पिंड उत्पन्न करने वाली दुर्गा कहलाती हैं। माँ के बारे में ग्रंथों में कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुष्मांडा देवी ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी। कुष्मांडा देवी ही सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति हैं। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ का निवास सौर मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। सूर्य के समान तेज की तुलना केवल माँ कुष्मांडा से ही की जा सकती है। हीरे मोती कुछ ना चाहे लाल लगे बस। अन्य किसी भी देवी देवता में इनके समान तेज नहीं। ना मर जाती बिना बेटे के ना। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हाडे को कहते हैं। बल्लियों में कुम्हाडे की बल्ली इन्हें प्रिय है, इस कारण से भी इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। माँ की आठ भुजाएं हैं, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला धारण किए हुए हैं। माँ अपने भक्तों को शोक और विनाश से मुक्त करके यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। इनकी शरण में जो भी मनुष्य जाता है उसे अति सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्र के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, इसलिए इस दिन साधक को पवित्र मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। आचार्य जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप है वो कैसा है, और ऐसी कौन सी पूजा विधि है जिसे करने से हमारे भक्तों को, हमारे दर्शकों को उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कहते हैं माता के नौ रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकमम, नवमम सिद्धिदात्री च,
नव दुर्गा प्रकीर्तिता, ये माता के नौ रूप हैं। इसमें चौथे दिन आज के दिन जो है माता के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कुष्मांडा देवी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। सृष्टि की रचना इन्होंने की, कहते हैं कि जगत में अंधकार व्याप्त था, इन्होंने अपने तेज से कुष्मांड रूप में, अंडज रूप में जो है इस जो है सृष्टि का निर्माण किया, इस कारण से इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। कुष्मांडा कुम्भड़े को कहते हैं जो माता को बहुत ही प्रिय है, तो इस कारण से भी माता का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। और कहते हैं कि माता का जो स्वरूप का वर्णन किया गया है, माता अष्टभुजाओं वाली हैं, माता सिंह पर शेर पर व्याप्त हैं, इनकी जो सवारी है वो सिंह की सवारी है, सिंह वाहिनी है माता। और अष्टभुजाओं में कहते हैं कि खड़ग है, चक्र है, गदा है, त्रिशूल है, कमंडल है, और माता गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प जो है धारण की हुई हैं और सभी को आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। इनका जो वर्ण है वो रक्त वर्ण का पीले और लाल मिश्रित वर्ण माना गया है। खड़गं चक्र गदे सुचाप परिधान, छूलं भुसुंडिम सिरह, शंखं संग दधति करे स्त्री नयनाम, सर्वांग भूषा बिरसाम, नीला समदुति मास पाद दशकाम, सेवय महाकालिकाम, या मस्तो सुपित हरो कमलजो हंतु मधु कैटभम। हे माता, राक्षसों का वध करने वाली हे माता, आप जो है समस्त भक्तजनों को आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति माता की पूजा करेंगे, इनका अनुष्ठान करेंगे, नवरात्रि के व्रत करेंगे, कहते हैं कि माता की कृपा से प्रत्येक क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आज के दिन पूजन का विधि बताता हूँ कि किस प्रकार से पूजा करना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर शुभ आसन पर जो है माता का फोटो के रूप में अथवा मूर्ति के रूप में विराजमान करना चाहिए। और सर्वप्रथम आवाहन बताया गया है, उनका हम आवाहन करते हैं कि हे माता, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी इनके पूजन को करते हैं, सबको करना चाहिए। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सबको माता की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से उनको स्थापित करें, उनका आवाहन करें, कहे कि हे माँ, आप यहाँ आएँ और हमें आशीर्वाद प्राप्त करें। आवाहनम समर्पयाम श्री माता कुष्मांडा देवी भ्यो नमः। इस प्रकार से माता कुष्मांडा देवी का आवाहन करें, और आवाहन करने के बाद जो है उनका पैर प्रक्षालन, स्नान और याचमन का वर्णन किया गया है। पाद अर्घ आचमनि जलम, तीन बार माता को जल अर्पित करें। पाद अर्घ आचमनि जलम समर्पयाम श्री माता कुष्मांडा देवी भ्यो नमः। इस प्रकार से जल अर्पित करने के बाद लाल अथवा पीले रंग का वस्त्र माता को बहुत ही प्रिय है, माता को ऊपरी और अधा दो वस्त्र देने चाहिए, चढ़ाने चाहिए। और उसके बाद कुमकुम, रोली, रक्त चंदन जो भी उपलब्ध हो अथवा मल्यागिरी चंदन का लेप करना चाहिए। श्रीखंड चंदनम दिव्यम, गंधादेश मनोहरम, चंदनम मे विलेपणम, चंदनम में प्रतिग्रहजिताम। अथवा इतने बड़े मंत्र नहीं बोल सकते तो चंदनम समर्पयाम श्री माता कुष्मांडा देवी भो नमः, यह भी नहीं बोल सकते तो भाव स्वरूप भी जो है पूजा का विधान बताया गया है। माता को जो है भाव के रूप में कि मैं चंदन लगा रहा हूँ उनको अर्पित करें, और जो है इस प्रकार से माँ को चंदन लगाए। चंदन के बाद अक्षतान का वर्णन किया गया है, चावल का, जो टूटा हुआ चावल ना हो उसे हल्दी अथवा लाल रक्त चंदन आदि में रंग कर, कलर करके उनको जो है माता को अक्षतान समर्पयाम श्री माता कुष्मांडा देवी भ्यो नमः, इस प्रकार से माता को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद पुष्प का वर्णन किया गया है, इसमें उड़हल पुष्प की प्रधानता बताई गई है। उसमें लाल रंग के उड़हल पुष्प की 108 पुष्प की माला बनाकर, और इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार के जो पुष्प उपलब्ध हों उसे लेकर माँ को अर्पित करें। पुष्पम पुष्पमाल्यादिकम समर्पयाम श्री माता कुष्मांडा देवी भ्यो नमो नमः, इस प्रकार से माता को पुष्प अर्पित करें। और कहते हैं कि पुष्प के बाद धूप और दीप का वर्णन किया गया है, कर्पूर आदि लेकर, विभिन्न प्रकार के सुगंधित धूप आदि लेकर, अष्टगंध आदि लेकर जो है माँ को अर्पित करें। और अष्टगंध जो है माता को धूप के रूप में दिखाए, कर्पूर आदि की आरती करें। धूपम दीपम दर्शामी माता कुष्मांडा देवी
भ्यो नमः। इस प्रकार से मंत्र को पढ़ते हुए माता कुष्मांडा देवी को धूप और दीप अर्पित करें। धूप दीप के बाद कहते हैं हस्त प्रक्षालन, हाथ धो करके माता को नैवेद्य रूप में अर्पित करें। नैवेद्य में माता को पंचामृत बहुत ही प्रिय माना गया है। इसमें दूध दधि घृत मधु और शक्कर मिलाकर माता को पंचामृत बनाए और उसका भोग लगाए। इसके अलावा सूखे मेवे, विभिन्न प्रकार के मेवे, सूखे मेवे, पकवान आदि बनाकर, विभिन्न प्रकार के मिठाई मिष्ठान आदि बनाकर, खास करके फल आदि, इसमें लाल फल हो उस प्रकार से लेकर के माता को अर्पित करें। पूर्ण फलम समर्पयामि श्री माता कुष्मांडा देवी भ्यो नमो नमः। इस प्रकार से माता को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद कहते हैं कि भोजन के बाद जल का विधान बताया गया है, पुनः जल अर्पित करें। आचमनि जलम समर्पयामि श्री माता कुष्मांडा देवी भ्यो नमः। इस प्रकार से मंत्र को पढ़ते हुए माता कुष्मांडा देवी को जल प्रदान करें। और नैवेद्य के बाद में एला लवंग पुंगी फल का वर्णन किया गया है, अर्थात माता को लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल और पान के पत्ते, ये 9 की संख्या में लेकर चढ़ाना चाहिए, अर्थात 9 लौंग, इलायची, 9 सुपारी और 9 पान के पत्ते पर रखकर 9 नारियल लेकर माता को अर्पित करें। एला लवंग पुंगी फल नारी केलाम सहिताम समर्पयाम श्री माता कुष्मांडा देवी भ्यो नमः। और इस प्रकार से मंत्र को पढ़ने के बाद पुनः जल आचमन करवाए और आचमनि जलम समर्पयाम श्री माता कुष्मांडा देवी भ्यो नमः। इस प्रकार से मंत्र को पढ़ते हुए माता को आचमन कराए। और उसके बाद में कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की आरतियों का वर्णन किया गया है, माता की आरती करें। और आरती करने के बाद ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः इस मंत्र का 1008 बार पाठ करें। और पाठ करने के बाद जो है क्षमा प्रार्थना का विधान बताया गया है। कोई भी पूजा में कोई गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना का विधान है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरीम यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जसो जहि। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करें कि हे माता, न मैं मंत्र जानता हूँ न तंत्र जानता हूँ, पूजा में बहुत तरह की त्रुटियाँ हुई हमसे, इसलिए जो भी हमसे हुआ उसे आप स्वीकार करें और हमें धन बल यश की प्राप्ति करवाएं, धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति करवाएं। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करते हुए प्रसाद ग्रहण करने के बाद माता का गुणगान करें। और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस नवरात्रे में आज के दिन माता कुष्मांडा देवी की पूजा करते हैं, स्त्री पुरुष, उनकी समस्त मनोकामनाएं माता कुष्मांडा देवी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का दर्शकों, उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन सी राशि के जातकों को कौन से वो खास उपाय करने हैं जिसकी वजह से आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आपकी जो मनोकामना है वो भी पूर्ण हो सकती है। जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।